मांझे में राजद के नेताओं ने महाराजगंज लोकसभा से जितेंद्र स्वामी अथवा डॉक्टर अरुण कुमार को अंजा गठबंधन का प्रत्याशी घोषित करने की मांग की है। ये बातें बुधवार को मांझी पूर्व पंचायत के पूर्व मुखिया नवरत्न प्रसाद के आवासीय परिसर में मांझी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता वर्तमान सांसद को पराजित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन के नेताओं ने सूझबूझ का परिचय दिया तो बिहार की अधिकांश सीटों पर अंजा गठबंधन की जीत तय है। उन्होंने सिवान से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। मौके पर बंगरा पंचायत के मुखिया कन्हैया साह, उद्धव यादव, संतोष पहलवान सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। उम्मीदवार का ट्रांसफर, उम्मीदवार का इधर उधर गोटी बैठाने वाली बात। आखिर जो टिकट है वो टिकट देने में लेट का कारण क्या है, क्या मंथन कर रहा है कांग्रेस? लेट का दो कारण है। पहला कारण है लास्ट फेज में यहाँ चुनाव है तो कुछ नेता लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में भी बने हुए हैं। हम जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कुछ पार्टियों के द्वारा सोशल सर्वे अभी भी कराया जा रहा है महाराजगंज पार्लियामेंट्री क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसका जो अपना टीम है, राहुल गांधी का जो टीम है, उस टीम के द्वारा यहाँ सोशल सर्वे कराया जा रहा है। और यहाँ अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी कांग्रेस पार्टी के तरफ से अभी उनका नाम आगे चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उसका कई वो स्क्रीनिंग कमेटी होता है, ये कमेटी होता है, वो कमेटी होता है, उसमें उनका अपना स्थान बना हुआ है। लेकिन लास्ट में चलेगा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का। तो अगले कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह जो है वो सच्चिदानंद जी के समर्थन कर रहे हैं, सच्चिदानंद राय का MLC को। नहीं, अब इंडिया में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी बच गई है और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो भारतीय जनता पार्टी के फांसीवाद का मुखर विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को, किसी भी वर्कर को, किसी भी नेता को कांग्रेस पार्टी माइग्रेट करके टिकट देने से हमारी समझ से परहेज करेगी। इसलिए कि इसका मैसेज पब्लिक में गलत जाएगा। थैंक यू। उन्होंने बहुत राजनीति देखा है और राजनीति उनके रग रग में रहता है, बहुत उतावला होकर बिना किसी दिशा निर्देश के, बिना किसी ठोस योजना के पार्लियामेंट में वोट के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि सुबह में जो है वो टिकट लेकर के जो सभी जगह अभिनंदन समारोह हुआ और शाम में जो हुआ वो लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है क्या फिर पार्टी की तरफ से उनको? स्वाभाविक रूप से हम लोगों के कुछ कार्यकर्ता लोग निराश हैं लेकिन आशान्वित हैं। तो क्या ये निराशा बगावत में बदल सकती है क्या? जी, ये निराशा जो है ये बगावत में बदल सकती है क्या? नहीं से? नहीं, यह निराशा बगावत में नहीं बदलेगी। यह निराशा हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि पार्टी का जो आदेश है, पार्टी का जो निर्णय है, उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।